हेलो मॉमीज़, डियर मॉमीज़, आपका एक क्वेश्चन रहता है कि मैम प्रेगनेंसी में किशमिश खाना चाहिए या मुनक्का खाना चाहिए, दोनों में से क्या बेस्ट है। तो डियर मॉमीज़ देखिए, कुछ को किशमिश खाने से थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, हार्ट वर्म की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप उसको रिप्लेस करके आप मुनक्का खा सकती हैं। मुनक्का थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको आप सीडलेस करके खाएँ। इसको आप रात को भिगो दीजिए, साफ़ करके अच्छे से भिगो दीजिए, और सुबह आप जो पानी उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, और जो मुनक्का है वो भी ले सकती हैं। 3 से 4 मुनक्का आप खा सकती हैं यदि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में ना खाएं। स्टार्टिंग के 3 मंथ में आपको ये अवॉइड करने हैं, क्योंकि थोड़ी ये गर्म होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं भूख बढ़ाने में, ब्लड आपका इम्प्रूव करने में, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें ब्लड की हीमोग्लोबिन की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसका पानी भी पीजिए और आप मुनक्का भी खा सकते हैं, इससे आपके जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हर तरीके से जो मुनक्का है वो हेल्पफुल रहता है। यदि आप किशमिश नहीं खाना चाहते तो आप मुनक्का बिल्कुल ले सकते हैं आपके कंसीव करने में, और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपकी 9th मंथ की जर्नी में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा।